नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयागराज न्यूज़ और मैं आपके साथ हूं आकांक्षा यादव। मकर संक्रांति स्नान के साथ धर्म नगरी प्रयागराज में अध्यात्म का मेला माघ मेले की शुरुआत हो गई है। भीषण ठंड और कोरोना के खतरे के बावजूद लोगों की आस्था भारी पड़ी। शुक्रवार भोर से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाई। प्रयागराज के संगम तट पर लगे आस्था के सबसे बड़े आयोजन माघ मेले का आज प्रथम स्नान पर्व मकर संक्रांति है। जी हां, श्रद्धालु यहां मोक्षदायिनी गंगा में स्नान के साथ ही दान पुण्य कर मोक्ष की कामना की। वहीं संगम पर मकर संक्रांति का स्नान ब्रह्म मुहूर्त से ही शुरू हो गया था। कड़ाके की ठंड के बावजूद सुबह से यहाँ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने पहुँचे। खराब मौसम के बाद भी संगम में डुबकी लगाने कल्पवासियों के अलावा भी बड़ी तादाद में दूसरे श्रद्धालु भी पहुंचे। संगम क्षेत्र में सूर्य बादलों से ढके रहने के बावजूद सूर्य उपासना के उत्साह में यहां कोई कमी देखने को नहीं मिली। लोग त्रिवेणी के जल में आस्था की डुबकी लगाकर हर कोई पुण्य अर्जित करना चाहता है। मकर संक्रांति मतलब तिल का दान होता है, तिल का दान और सोना दान, पैसा दान, जैसा जिसका श्रद्धा हो, लेकिन इसमें अधिकतर तिल का दान होता है। खिचड़ी का क्या महत्व? खिचड़ी का महत्व यही है कि खिचड़ी में आप खिचड़ी का त्यौहार मनाते हैं कि मकर संक्रांति का हिसाब से आप जैसे रीति रिवाज है उसी तरह से मनाया जाता है। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार जब सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति मनाई जाती है। पूरे साल में कुल 12 संक्रांतियां होती हैं, लेकिन इनमें से 4 संक्रांति मेष, कर्क, तुला और मकर संक्रांति बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। जी हां, मकर संक्रांति के दिन यानी आज के दिन दान पुण्य करने की विशेष परंपरा हिंदू धर्म में मौजूद है। मान्यता है कि मकर संक्रांति पर खिचड़ी बनाने और खाने की ही विशेष परंपरा है। मकर संक्रांति पर दान पुण्य के साथ साथ पवित्र नदियों में स्नान करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वही मकर संक्रांति गंगा स्नान, पूजन करना, दान करना, ये तिल का लड्डू और चिवड़ा का लड्डू, चावल, पैसा वैसा दान किए। क्या माता से कामना की? क्या माता से कामना करे, माता दो बच्चे लोग को दिए, इन्हीं लोग को सुरक्षित रखे। जी हाँ, आज के दिन दान में तीन चीज़ों का विशेष दान करना चाहिए। पहली है खिचड़ी, दूसरा है तिल का लड्डू और तीसरा है कंबल या ऊनी कपड़ों का। इस वर्ष दान में पालक या मूली पत्तों के साथ दान करना विशेष हितकर रहेगा। घाटों पर स्नान के दौरान श्रद्धालु गहरे पानी में ना जाएं, इसके लिए बैरिकेडिंग के साथ साथ गोताखोरों के दस्ते भी लगातार स्नान घाटों पर तैनात हैं। साथ ही साथ स्नान घाटों पर श्रद्धालुओं के द्वारा दिए अगरबत्ती न जलाने और घाटों पर भीड़ न इकट्ठा हो, जिसके लिए लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों को जागरूक करती दिखाई दे रही माघ मेला पुलिस। सभी को बताया गया कि अपना वो RT-PCR करा के आए। कोई भी अगर लक्षण युक्त व्यक्ति है जिसको कोरोना के कोई बीमारी हो सकती है तो कृपया ना आए, लेकिन जो भी यहाँ पर आएंगे उनकी थर्मल स्कैनिंग और उनको मास्क की अनिवार्यता तथा वहाँ शारीरिक डिस्टेंस बनाए रखने के लिए सबको प्रेरित किया जाएगा। वहाँ पुलिस कर्मियों की ड्यूटी रहेगी, इसमें PAC, जल पुलिस, हमारे जितने भी अन्य स्क्वाड हैं जैसे कमांडो दल, ये सब तैनात रहेंगे। घुड़सवार दल और गश्ती दल लगातार इसमें भ्रमणशील रहेंगे और मैजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी लगी है जो सुरक्षा में रहेंगे, और साथ ही जो अन्य ऑर्गेनाइजेशन है सिविल डिफेंस तथा हमारे अन्य साथी, वो सब इसमें सहयोग करेंगे।